लीजिए एक और कविता अमलदास की, लिखा है सांझ इन्होंने। पीले झूमरों से सजा महल सा लगता है, पीले झूमरों से सजा महल सा लगता है, मई की गर्मी में दिल को सुकून बांटता, बस यूं ही मुड़ जाते हैं कदम उस रमणीय वृक्ष के पास। कौतूहल से भरा यह मन चिल्लाता था, कौन है यह मनमोहन, कौन है वह यह वृक्षों में उगलता स्वर्ण, कौन है यह मनमोहन, कौन है यह वृक्षों में उगलता स्वर्ण, अमलतास। मैं फिर से चली सुशोभित अमलतास के पास। एक दो पुष्प होते, पांच दस भी होते, पर नहीं, पूरा वृक्ष हुआ है आभूषित, मन हुआ है अति अभिभूत, जी करता है शाखों में इन सम्मोहित करने वाले, पीले झूमरों में मिल जाओ कितना उकसाते हैं, तुम में हो जाने को गुम, बोलो अमलतास और तुम। निहारिका करण इनकी कविता है, आइए आपको सुनाते हैं। एक अमलतास का पेड़ जो तुमने लगाया था, एक अमलतास का पेड़ जो तुमने लगाया था हमारे आंगन के बीच, आज तुम्हारे जाने के बाद पीले फूलों से लदे हुए सभी की वाहवाही बटोर रहा है। आज तुम्हारे जाने के बाद पीले फूलों से लदे हुए सभी की वाहवाही बटोर रहा है। नजरें नहीं हटती मेरी भी, एक टक देखे जाती हूँ बस, यकायक ख्याल मेरे भंग हो जाते हैं, यकायक ख्याल मेरे भंग हो जाते हैं, मानो एक नींद से जैसे जागी हूँ मैं, मानो इस पेड़ के फूलों की ओट में छिपे हुए चुपचाप देख रहे हो मुझे। रंग प्यारे हैं मुझे ये जानते थे तुम, रंग प्यारे हैं मुझे ये जानते थे तुम, कहते थे रंग हमेशा रहने चाहिए, मैं रहूं ना रहूं, कहो रंग भरती रहोगी ना। और उस अमलतास को देख मैं अपने क्षणभंगुर जीवन में कुछ रंग भरने चल देती हूँ। देख कर यूँ मुझे जहाँ कहीं भी हो तुम, खुश हो रहे होंगे, है ना। नमस्कार, ऐसी ही अच्छी अच्छी कविताएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कविता के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।